News 18, India. और इस वक्त एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। पक्षकारों को मिलेगी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट। आज शाम तक ये रिपोर्ट उन्हें दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? शर्त ये है कि पक्षकारों को शपथ पत्र देना होगा, उसके बाद ही ये रिपोर्ट उन्हें दी जाएगी। अब इन शर्तों में क्या क्या है, शपथ पत्र में क्या क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो अभी तक इस मसले को लेकर सुनवाई हो रही थी कि ये एएसआई की जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक की जाए। कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुना है और अभी कोर्ट का आदेश आएगा। हमारा कोर्ट के सामने ये कहना था कि इस रिपोर्ट को आप मीडिया के ऊपर गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं, ये सार्वजनिक ना की जाए और ये साथ ही साथ ये रिपोर्ट की कॉपी हमें सप्लाई की जाए। तो रिपोर्ट की कॉपी हार्ड कॉपी हमें दी जाएगी और इसमें कोई अंडरटेकिंग की बात नहीं आती। अभी आप कोर्ट जो भी आदेश पारित करेगा, तो जब आदेश आएगा तो हम लोग देख के बताएंगे। अभी आप देखिए, अब ये कोई नहीं बता सकता है, कोर्ट जब लिखवा के ऑर्डर की कॉपी देगी तब पता चलेगा। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त। नहीं, हमने कोर्ट के सामने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था और हमारा ये कहना था कि अंडरटेकिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता है और आजकल हर एक चीज़ पब्लिक डोमेन में है और ये कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नहीं है। कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, मीडिया के ऊपर आप गैग ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। CPC में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप मीडिया को रोक सकें एक चीज़ ना दिखाने से, और इसलिए इसकी कॉपी उपलब्ध करानी चाहिए। अमित सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अलग अलग वकीलों का भी हमने बयान सुना और वकीलों ने इस बात को भी, इस पक्ष को भी मजबूती से रखा है कोर्ट के सामने कि इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाएगा, लेकिन पक्षकारों को शपथ पत्र देना होगा। ये शपथ पत्र में क्या होगा, क्या वाकई मीडिया कर्मियों से या पब्लिक डोमेन में इसे साझा नहीं करना है? देखिए रीमा, सबसे पहले तो करेक्ट एक कर दूं कि अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं आया है। कोर्ट में अभी बहस हुई है, हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार दोनों थे। दोनों पक्षकार ने एग्री कर लिया है कि दोनों पक्षकारों को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दी जाए। हिंदू पक्षकार ने साथ ही साथ ये दलील दी है कोर्ट में कि मीडिया पर गैग ऑर्डर नहीं लगेगा, मीडिया इस सर्वे को दिखा सकता है। इस बारे में अभी कोर्ट का फैसला आना है। हिंदू पक्षकार ने कोर्ट के अंदर ये किया है कि इस मामले में कहीं से शपथ पत्र देने की भी आवश्यकता नहीं है। अमित, आप ये कह रहे हैं कि फैसले का भी इंतजार करना होगा? जी हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि फैसले का भी इंतजार करना होगा। अगले आधे घंटे एक घंटे के अंदर फैसला आएगा। फिलहाल बहस पूरी हुई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि दोनों जो मुस्लिम पक्षकार हैं और हिंदू पक्षकार हैं, दोनों ने ये सहमति बन गई है कि दोनों के एएसआई रिपोर्ट कोर्ट के द्वारा दी जाए। कि कोर्ट ने भी माना है कि हाँ दोनों हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार को एएसआई रिपोर्ट दिया जाएगा, ताकि आगे की जो सुनवाई है उसी रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार के द्वारा दलील दी गई, फिलहाल शुक्रिया।